दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर दोबारा हाजिर हो गए आप लोगों के सामने, आप लोगों का दोस्त फिर दूसरा टॉपिक लेकर। दोस्तों ये टॉपिक भी शायद किसी किसी ने इस टॉपिक का नाम सुना है लेकिन शायद इसके बारे में पता नहीं है वो क्या होता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वो ओके टू बोर्ड। ओके टू बोर्ड दोस्तों बहुत सारे आदमी ने नाम सुना है, जिन लोगों ने दुबई एक बार घूम के आया है, दुबई में ट्रैवल किए हैं, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जिन लोगों ने ट्रैवल किए हैं उन लोगों के पास इसका नॉलेज है। जिन लोगों ने अभी तक दुबई ट्रैवल नहीं किया है उन लोगों के पास शायद इसका नॉलेज नहीं है। दोस्तों तो दोस्तों ये ओके टू बोर्ड क्या होता है, चलिए जानने के लिए मेरा इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए। और जो नया दोस्तों मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकॉन है उसको दबा देना ताकि मेरा जो नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों ये ओके टू बोर्ड होता क्या है? ओके टू बोर्ड मतलब है आप आपका जो डॉक्यूमेंट्स है दुबई जाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका जो वीज़ा है वो वीज़ा असली है या नकली है, मतलब फेक है या ओरिजिनल है, ये एयरलाइंस कंपनी खुद चेक करती है। फिर चेक करके उन्होंने आपका जो टिकट होता है, टिकट का जो पीएनआर है, पीएनआर के स्टेटस में लिख देते हैं ओके है। मतलब यू क्यों ये क्यों लिखता है इन्होंने, मतलब ये ओके टू बोर्ड क्यों चालू किया? दोस्तों ऐसा बहुत बार हुए है, बहुत सारा एयरलाइंस के साथ हुए है, बहुत सारा इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी जो एजेंट है वो क्या करते हैं, बहुत क्लाइंट्स को उन्होंने क्या किया, फेक वीज़ा प्रोवाइड कर दिया। मतलब किसी के वीज़े के ऊपर दूसरे किसी का वो फोटो लगाकर पासपोर्ट नंबर एडिट करके ना सारा कुछ करके वो वीज़ा ओरिजिनल जैसे लगता है, वो डुप्लीकेट पता नहीं चलता है, तो ये फेक वीज़ा देते हैं। फिर क्या होता है, वो कैंडिडेट वो फ्लाई करते हैं दुबई के लिए। फिर जब वो दुबई पहुंचते हैं इमिग्रेशन में, जब वो वीज़ा शो करते हैं ना तब तो पता चल जाता है उसका वीज़ा फेक है। ऐसा लाखों लाखों वो एग्जाम्पल है। फिर वो उन लोगों को दुबई से फिर दोबारा उसका मुल्क में वापस कर दिया जाते हैं। तो इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने जो चालू किया है वो ओके टू बोर्ड जो जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया है। वो हर एक एयरलाइंस को वो बोल दिया है क्लियर करके, जिसके पास उसका ओरिजिनल वीज़ा है उसी को बोर्डिंग देना, अदरवाइज किसी को नहीं देना है। तो फिर ये आपके पास ओरिजिनल अगर वीज़ा आप खुद लेते हो तो आपको पता है अब आपका ये वीज़ा ओरिजिनल है, और अगर किसी ने किसी एजेंट से लिया है तो आपको कैसे पता चलेगी यह वीज़ा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? दोस्तों ये वीज़ा आप चेक करते हो, चेक कर सकते हो खुद, जो यूएई जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप वीज़ा चेक कर सकते हो। और नहीं तो आप जिस एयरलाइंस का टिकट बुक किए हैं दुबई जाने के लिए उस एयरलाइंस को आपको जाने से 24 आवर्स पहले आपका जो टिकट कॉपी है वो भेजना पड़ता है। आप थ्रू ईमेल भेज सकते हो, उसका जो ईमेल आईडी है उसका ईमेल आईडी से आपका टिकट का पीएनआर नंबर, टिकट कॉपी और आपका वीज़ा कॉपी आप भेज सकते हो। फिर उन लोगों ने आपका वीज़ा चेक करते हैं, चेक करके आपका जो टिकट का पीएनआर है पीएनआर के स्टेटस के ऊपर लिख देता है ओके, मतलब आप बोर्डिंग के लिए जा सकते हो, आपको बोर्डिंग मिलेगा। अगर आपका वीज़ा सही नहीं है तो आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगा। ये सिर्फ फर्क है, मतलब ये ओके टू बोर्ड बहुत सारे आदमी को पता नहीं है। और दोस्तों ये ओके टू बोर्ड करने के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है, मतलब किसी किसी एजेंट ने 500 हज़ार, 2 हज़ार, 5 हज़ार तक ले लेते हैं ओके टू बोर्ड करने के लिए। लेकिन दोस्तों मेरा बात आप मान लीजिए, एक भी पैसा नहीं लगता है। आप खुद किसी अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एयरलाइंस में अगर आप टिकट बुक करते हो तो उसका एयरलाइंस में एक ऑप्शन है, आप उधर जाकर ओके टू बोर्ड कर सकते हो। तो मैंने जब ट्रैवल किया था वो इस्तानबुल से मैंने दुबई का फ्लाइट लिया था, वो था टर्किश एयरलाइन का। तो उसमें जब मैंने टिकट बुक कर रहा था एयरपोर्ट में, तो उन्होंने मेरे को पूछा जो शो योर वीज़ा, तो उस टाइम मैंने मेरा वीज़ा शो कर दिया था। वो टिकट जब बुक किया था उसी टाइम पीएनआर के ऊपर वो लिख दिया था ओके टू बोर्ड, क्योंकि मेरा इंडियन पासपोर्ट था। तो दोस्तों ये रहा आज का जो समाचार था, आप लोगों को बोल दिया ओके टू बोर्ड क्या है। तो अगर आप लोगों को इसके लिए और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। दोस्तों और
अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर ठोकना। अगर अगर कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। और दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा न्याय वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।